जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जी हाँ, इसी हिम्मत का परिचय देते हुए क्षेत्र की बहू श्वेता जामोद ने मिसेस इंडिया माय आइडेंटिटी 2019 में टॉप 10 में मध्य प्रदेश से एकमात्र अपनी जगह बनाकर नगर को गौरवान्वित किया। प्रतियोगिता में फिनाले का आयोजन पिछले सप्ताह दिल्ली में हुआ था, जिसमें समीपस्थ गांव खतेड़िया के शासकीय स्कूल में कार्यरत बाल किशोरी जामोद की छोटी बहू श्वेता वैभव जामोद ने हजारों कंटेस्टेंटों को अलग अलग टास्क, कला, हेल्थ से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और अन्य गतिविधियों में अपना बेहतर प्रदर्शन कर और सवालों के जवाब देकर पहले राउंड के लिए 26 प्रतियोगी में चयनित हुई। उसके पश्चात दिल्ली में हुए फाइनल में श्वेता वैभव जामोद ने मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी प्रतियोगिता में टॉप 10 में मेमोराइजिंग का टाइटल जीता। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बच्चे आजकल अच्छे पढ़े लिखे हो गए, विदेशों में घूम के आ रहे, कई बार घूम के आए, उधर पहले इंडोनेशिया गए थे, अभी थाईलैंड गए और दिल्ली में कोई कंपटीशन में भाग लिया, उसमें टॉप 10 में आई बहू, तो अच्छा है। तो आप ऐसी बहुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, आगे और प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, ये सब प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। Congratulations to Vikramshree. Now, next item is mesmerizing, and it goes to Shweta. बचपन से सपना था कि मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है, और पढ़ाई के साथ ये सब सोच पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैंने ये करने की ठानी और मैंने जॉब लगने के बाद फेसबुक पर ऑनलाइन आवेदन किया इस कंपटीशन के लिए। उसके बाद मुझे ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पूछे गए, मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया गया, मैंने अपना परिचय एक वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा दिया। उसके बाद सिलेक्शन के बाद हम लोगों को थाईलैंड ले जाया गया, वहाँ पर हमारा फोटोशूट और ग्रूमिंग सेशन कराया गया। उसके बाद दिल्ली के कंट्री इन रेडिसन होटल में हमारा 3 राउंड हुए थे, कल्चरल राउंड, पीपीटी राउंड और टैलेंट राउंड। उसके बाद दिल्ली में ही उसी होटल में हमारा फिनाले का आयोजन किया गया, उसमें हमारे 3 राउंड हुए, अलग अलग परिधानों में हमारा रैंप वॉक हुआ। उसके बाद मैंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई और मिसेस इंडिया मेस्मराइजिंग 2019 का खिताब अपने नाम किया, और कोई परेशानी अभी तक नहीं आई थी। इसके लिए आप कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगह पे आपको जाना पड़ा और वहाँ पे कोई परेशानी आई या नहीं आई? मैंने इसकी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की थी। पूरा सिलेक्शन होने के बाद हमें थाईलैंड ले जाया गया, वहाँ पे अलग अलग जगह पर हमारा फोटोशूट किया गया, ग्रूमिंग सेशन कराया गया। उसके बाद दिल्ली में फिनाले था। अच्छा, दिल्ली में जब फिनाले हुआ, जैसा हमने सुना है कि 26 लास्ट में बचे थे, तो उसके बाद आप टॉप 10 में गए, तो टॉप 10 में जाने में आपका कौन सी चीज महत्वपूर्ण रही जिससे आप टॉप 10 में पहुंची? कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि इस चीज के लिए एक गृहिणी का कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि वो अपने सारे बैरियर्स को तोड़ के अपने समाज में इतना आगे कैसे आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।